घुमारवी शहर के अंतर्गत एनएच 103 सीर खड़पुर के समीप शर्मा कार एसेसरीज की दुकान में शॉर्ट सर्किट लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की घटना का पता तब चला जब घुमारवी बस स्टैंड के पास होटल करने वाला मालिक सुबह अपने घर से घुमारवी आ रहा था तो उसने दुकान के पास जलने की दुर्गंध महसूस की, जिससे होटल मालिक ने अपनी गाड़ी को पीछे करके दोबारा देखा तो दुकान से धुआं निकलता पाया। होटल मालिक ने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को अपने साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचा तथा पुलिस को भी सूचित किया। फायर ब्रिगेड व पुलिस कर्मचारियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया, पर तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। दुकान का मालिक चंद्रकांत घुमारवी का रहने वाला है। शर्मा कार एसेसरीज में करीब 10 से 15 लाख के सामान को नुकसान हुआ है तथा किसी भी प्रकार का जानी माल नुकसान नहीं हुआ है। घटनास्थल का दौरा एसडीएम शशिपाल शर्मा व नगर परिषद की अध्यक्षा के द्वारा किया गया तथा हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया तथा प्रशासन की तरफ से फौरी राहत के तौर पर 10,000 रुपए दिए गए। डीएसपी राजेंद्र कुमार जसवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर हर पहलू को ध्यान में रखकर छानबीन शुरू कर दी है। आज यहाँ नगारी भवन के पास एक हमारे व्यापारी थे चंद्रकांत जी, जिनकी दुकान आसमानी बिजली से गिरने से जली है और यहाँ पे आज नगर हमारे अध्यक्ष नगर परिषद के अध्यक्ष भी आए हैं और साथ में एसडीएम महोदय भी आए थे और हमने प्रशासन को इनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है और प्रशासन ने बोला कि हम इनकी हर संभव मदद करेंगे। आसमानी बिजली गिरने से चंद्रकांत की दुकान जली, जिसमें एसडीएम साहब को बोला गया। उन्होंने मौके पर आकर फौरी राहत देने के लिए पटवारी को आदेश दिए और